So guys, it's been a long time since you guys already know that CET was not conducted very well this time. There are two opinions सबके बीच में that जिन लोगों को अच्छे percentiles आए हैं, people who are getting the top percentiles, people who are getting 99.9998 और even 100 percentiles, they are of the opinion that their CET तो एकदम अच्छे से हुआ था, क्या problem हुआ था? But a majority of the students feel like CET सही नहीं हुआ था. Now my take on this is that देखो result calculation is a different thing altogether. बट अगर एग्जाम ही सही से कंडक्ट नहीं हुई देन देर इज अ बिग प्रॉब्लम. बिकॉज इफ यू रियलाइज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल आर देयर जिनको 180 मिनट्स मिला और उनको रीटेस्ट नहीं आया था. ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन द फर्स्ट टाइम रीटेस्ट हुआ था दैट वाज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट हैड सेड दैट नहीं सीईटी नहीं प्रॉपरली कंडक्ट हुई थी, हैव अ रीटेस्ट. तो सीईटी सेल ने क्या किया, दे हैड अ रीटेस्ट फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इतने ही लोगों को अलाउ किया, सबको नहीं अलाउ किया. सो विच इज अनफेयर बिकॉज जो 9th ऑफ यू सबके साथ हुई थी. लाइक इफ एक स्टूडेंट को भी 180 मिनट्स मिल गया तो वो बाकी 9,99,999 लोगों के लिए गलत है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट को अनड्यू एडवांटेज मिल गया. और एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ऐसा नहीं कर सकती, दे हैव टू कीप अ रीटेस्ट फॉर एवरीबॉडी एंड दिस इज व्हाट द डिसीजन वाज टेकन. बट द सीईटी सेल डिड इट इन अ डिफरेंट मैनर. तो दिस इज वेयर देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड जिसकी वजह से अब तक ये इश्यूज आए दैट रिजल्ट भी सही नहीं आया. दिस इज वॉट मेनी स्टूडेंट्स बिलीव दैट रिजल्ट सही नहीं आया, दे आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द कोर्ट. एंड ये हुआ, येस्टरडे वॉज द कोर्ट्स हियरिंग एंड थैंकफुली द न्यूज पेपर्स आर गिविंग इट, द मीडिया इज गिविंग इट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड इवन द जज इज टेकिंग इट सीरियसली. सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ दिस पीपल एंड टू द एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस. आई एम इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद हैं, मुझे पता है वो लोग दिन रात से इसमें डाल रहे हैं. सो गाइज इट्स माई जेन्युइन रिक्वेस्ट दैट प्लीज यू गाइज गो एंड सपोर्ट देम. इफ यू गाइज वॉन्ट देन आई विल यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आई विल हेल्प यू गेट इन टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु आर सपोर्टिंग द केस एंड हु आर डूइंग बेटर फॉर द एंटायर सीईटी कम्युनिटी, द सीईटी टेकिंग कम्युनिटी. तो गाइज हुआ क्या है दैट बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा दैट वाई वर देर सो मेनी इश्यूज, एंड अगर इश्यूज थे तो सीईटी वापस क्यों नहीं किया, एज अपोज टू जो हमने ही आपको बोला था दैट सीईटी वापस रीटेस्ट कंडक्ट कीजिए. बट इस पे देयर वर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज जिसपे सीईटी सेल का जो रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे, दे कुड नॉट आंसर दिस. थैंकफुली द पॉइंट्स दैट मिस्टर एस बी तलेकर एंड द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द केस हैव पुट अप, दे आर वेरी गुड पॉइंट्स, वेरी जेन्युइन पॉइंट्स. एंड एक सिलेक्टिव रीटेस्ट करना, कुछ लोगों को वापस बोलना दैट आप वापस टेस्ट दो, एंड उनका डिविजन भी सही नहीं था. इट्स नॉट इवन लाइक रीटेस्ट में हर एक स्लॉट में से इक्वल लोगों को उठा के रीटेस्ट में डाला था एंड सारे 5 स्लॉट्स का सेम था. नॉर्मलाइजेशन का कोई तरीका ही नहीं है जिसमें इसमें प्रॉपरली नॉर्मलाइज कर सकते हैं एक्सेप्ट हैविंग अ प्रॉपर रीटेस्ट. दिस इज द आस्क ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आई पर्सनली डोंट सी एनी काइंड ऑफ रॉन्ग हैपनिंग हियर. एंड ऑब्वियसली जिन्होंने पढ़ाई की है उनको प्रॉपरली मार्क्स आएंगे ही. जिन्होंने प्रॉपरली पढ़ाई की है, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उन लोग को पता है दैट दे आर द पीपल हु हैव वर्क फॉर इट एंड दे डिजर्व द टॉप कॉलेज एंड दे विल गेट इट रिगार्डलेस. So, guys, kudos to this. Also, I don't know if you guys check the newspaper just 2 days ago. वहाँ पे literally एक आर्टिकल था जिसमें वन स्टूडेंट हैड गॉटन 99.49 परसेंटाइल एंड वो स्टूडेंट को इस बार सिर्फ 0.016 परसेंटाइल आया है, विच आई बिलीव इज वेरी शॉकिंग. लाइक इतना कम परसेंटाइल आना इज वेरी वेरी शॉकिंग अकॉर्डिंग टू मी. सो मुझे लग रहा है दैट इसमें कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए बिकॉज इतना परसेंटाइल नहीं गिर सकता. आई पर्सनली हैव टॉक्ड टू मैनी स्टूडेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम आया है, जिनको लास्ट ईयर 99 था, इस बार 40 आया, 35 आया. हमने कि इतना तो आंख बंद करके भी आ जाएगा इन स्टूडेंट्स को. सो विच इज एब्सोल्युटली अनफेयर टू दोज स्टूडेंट्स एंड ऑनेस्टली टू एवरी स्टूडेंट हु हैज गॉटन अ स्कोर विच इज लेस देन वॉट दे हैड एक्सपेक्टेड. इट इज अनफेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रिक्वेस्ट दैट यू गाइज सपोर्ट द केस. वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर स्टूडेंट्स दिस ईयर बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फाइटिंग टेकिंग द एनबीए सीईटी इन द फ्यूचर. सो दिस entire process needs to be sorted out and that is why we are asking the court, the government and the overall educational body to help us out with this because it's just something that the students are asking for and which is not unfair. So this is the and a further update, thoda sa update. Monday ko we are going to have even more higher bodies from the CET cell coming. They will also put their point that aisa kyun hua tha, kya hua tha. So now the point is अगर सीईटी का रीटेस्ट हुआ, आई विल रियली स्टार्ट टेलिंग यू गाइस दैट अभी से एटलीस्ट पढ़ाई चालू कर दो, तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला है.
कैप प्रोसेस आई नो चालू हो गया है, बट गाइज इट्स जस्ट अ वेरिफिकेशन प्रोसेस, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट, डॉक्यूमेंट वेरीफाई बाद में भी हो जाएंगे, बट सीईटी अगर अच्छे से हुई तो सबको जो कॉलेज मिलनी चाहिए वो कॉलेज मिलेगी। सो लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल ऑन मंडे एंड लेट्स होप दैट द जजेस टेक अ फेयर डिसीजन फॉर एवरीवन। चल दिस इज माय अपडेट फॉर यू गाइस, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो, बाय एवरीवन।